यहाँ हर मर्ज का इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी शर्मा। अपने इन दिनों कार्यक्रम में आपको हम आज बताने जा रहे हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो हर मर्ज का इलाज बनती जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कितने लोग इस पद्धति से ठीक हुए हैं, साथ ही विशेषज्ञों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। हम बात कर रहे हैं आयुष विभाग की पंचकर्म पद्धति के बारे में जो हर मर्ज का इलाज बनती जा रही है। यही वजह है अब आयुष के अस्पतालों में पहुंचने वाले 80 से 90 फीसदी मरीज पंचकर्म पद्धति को अपनाकर खुद को चुस्त दुरुस्त रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में पंचकर्म की तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ ही पंचकर्म विधि शरीर को डिटॉक्स करने की उत्तम विधि मानी गई है। वर्तमान समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में हाइपरटेंशन, इंसोमनिया यानी नींद ना आना, जोड़ों का दर्द, विभिन्न प्रकार के एलर्जी होना आम बात हो गई है। इन सभी बीमारियों का इलाज पंचकर्म विधि से किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से आयुष विभाग इस तरफ फोकस कर रहा है, जिससे लोग भी इस उपचार की पारंपरिक पद्धति को अपना रहे हैं। खराब पाचन से लेकर मधुमेह, सोराइसिस, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से मरीजों को इस पद्धति से रिकवर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में आज हम आपको पंचकर्म के उपचार के तरीकों के बारे में बताएंगे। पंचकर्म में वमन, विरेचन, वसि, नास्य, रक्त मोक्षण क्रियाएं शामिल हैं। पंचकर्म में 5 क्रियाओं द्वारा रोगी का उपचार किया जाता है। वमन, विरेचन, वसि, नास्य, रक्त मोक्षण इन क्रियाओं में शामिल हैं। आयुर्वेद के अनुसार रोग 3 तरह के होते हैं। इसमें वात पित्त और कफ वर्ग है। वात रोग में वसि कर्म से उपचार किया जाता है। इस कर्म से गठिया बवासीर रोगों का उपचार होता है। कफ रोग में वमन के माध्यम से उल्टी के जरिए विकार को शरीर से बाहर निकाला जाता है। विरेचन कर्म के मुताबिक मल के जरिए शरीर में मौजूद विकारों को बाहर किया जाता है। इस कर्म के अनुसार आंतों की सफाई की जाती है और पीलिया जैसे विकारों का इलाज किया जाता है। नास्य कर्म में गले से ऊपर के रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें एलर्जी वाले मरीज भी शामिल होते हैं, जिनका उपचार इस विधि से किया जाता है। रक्त मोक्षण क्रम में दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह कर्म त्वचा रोग तथा सोराइसिस और अन्य घाव के उपचार के लिए किया जाता है। जोड़ों का दर्द, जकड़न और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों के अधिक मरीज आयुष अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिन्हें स्नेहन, संवेदन क्रिया से ठीक किया जाता है। स्नेहन में बाह्य स्नेहन, अभ्यंग, शिरोधारा क्रियाएं की जाती हैं। इसमें तेल, दूध और अन्य औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। शिरोधारा में माथे के ऊपर तेल अथवा दूध की एक धार लगाई जाती है। करीब 1 घंटे की इस क्रिया में अनिद्रा, हाइपरटेंशन के मरीजों को काफी राहत मिलती है। स्वेदन क्रिया में शरीर से पसीना निकाला जाता है। इसमें शरीर में मौजूद सभी विकारों का निष्कासन त्वचा मार्ग के जरिए किया जाता है। पसीने और गर्मी पैदा होने पर जोड़ ढीले होते हैं और मरीजों को आराम मिलता है। वहीं फ्रोजन शोल्डर के मरीज का उपचार पंचकर्म पद्धति से किया जा रहा है। स्नेहन, स्वेदन क्रिया के तहत मरीज का उपचार किया जा रहा है। इससे मरीजों को राहत मिल रही है। मरीजों की उम्र अधिक होने पर थोड़ा अधिक समय लग सकता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ मरीज महज 2 बार क्रिया करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उम्र दराज मरीजों को ठीक करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब पंचकर्म के नाम से ही समझा जा सकता है कि यहाँ 5 क्रियाओं की एक पद्धति है, जिसमें विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें वमन, विरेचन, वसि, नास्य, रक्त मोक्षण क्रियाएं शामिल हैं। जिला अस्पताल हमीरपुर की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता भारती कहती हैं कि पंचकर्म में 5 क्रियाओं द्वारा रोगी का उपचार किया जाता है। आइए उन्हीं से जानते हैं इस पद्धति के बारे में। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता भारती, MS हमीरपुर, आयुष हॉस्पिटल से। आयुर्वेद में, आयुर्वेद पद्धति में हम पंचकर्मा विधि से रोगों का इलाज करते हैं। रोगों का इलाज भी करते हैं पंचकर्मा द्वारा, और दूसरा हमारा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। और ये सब इलाज जो है हम पंचकर्मा विधि के द्वारा करते हैं।
पंचकर्मा जैसे नाम से ही लिखा है अभी पंचकर्म, पंचकर्म होते हैं पांच प्रकार की क्रियाओं द्वारा हम इलाज करते हैं रोगों का, रोगी का। इसमें पंच जो किराए हैं वो है, पंच का कर्म जो है वो है एक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और एक रक्तमोक्षण। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने अलग अलग तरह से ये सभी पंचकर्मा के बताए हैं, पर मेन जो कर्म है इसमें पूर्व कर्म और पश्चात कर्म भी हैं, और जो प्रधान कर्म है वो पंचकर्मा विधि है। इसमें जो पूर्व कर्म होते हैं जैसे स्नेहन और स्वेदन, इसको आम भाषा में बोलते हैं मालिश करना, और उसको फिर में बाद में स्टीम जैसे देना। और पंचकर्मा में सबसे पहले जो आता है वह वमन, और जो आयुर्वेद में हमें बताया गया है भी तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इसमें सबसे मुख्य जो रोग होते हैं वो वातिक होते हैं, और इसमें जो हम पंचकर्मा विधि चलाते हैं वो देते हैं वात में बस्ती कर्म के द्वारा, और वमन जो है वो कफज रोगों में दिया जाता है। वमन का मतलब जैसे ये है कि वमन के द्वारा, जैसे आम भाषा में उल्टी के द्वारा हमने दोषों को बाहर निकालना है। आयुर्वेद के अनुसार तो यही है जी, हमने दोषों को बाहर निकालना है, वो किन किन प्रकार की क्रियाएं करनी है यही मेन है। और ये आयुर्वेद तो ज़्यादा जी मानता है भी हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारे शीशे रोग दूर हो जाए, शुद्धियाँ हो जाए, शुद्ध हो जाए, और दूषित द्रव्य जो है वो बाहर निकल जाए, शोधन क्रिया हो जाए, उसके द्वारा ही इलाज होगा। और वमन के द्वारा हमने वमन करवाना है, पेशेंट को उल्टी करवानी है, तो इसके लिए कफज रोगों में ज़्यादा ये किया जाता है क्रिया। और इसमें हम कुछ ऐसे द्रव्य, औषध द्रव्यों का काढ़ा या कुछ ऐसे पेय पदार्थ पिलाते हैं जिससे कि वमन के द्वारा हमारा शरीर जो शुद्ध हो जाए, दोष जो है वो बाहर निकल जाए। दूसरे नंबर पर जैसे विरेचन, विरेचन का मतलब है कि पेशेंट को, रोगी को दस्त लगवाने, और इसमें हम पित्त कर्म जो पित्त जो दोष है ना उसमें हम विरेचन क्रिया करवाते हैं। विरेचन का मतलब दस्त लगवाना, हम कुछ ऐसी दवाएं मुख के द्वारा दी जाती हैं, पेय पदार्थ या दे दो औषध द्रव्यों का जो काढ़ा है, औषध द्रव्यों को पेय के रूप में, पानी के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है, जिसके द्वारा पेशेंट को विरेचन हो जाता है, दस्त आते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के हमने औषध द्रव्य पिलाने हैं। अब जानते हैं पंचकर्म में क्या क्रिया महत्वपूर्ण है, सुने आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति शेट्टी क्या कहती हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति शेट्टी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और पंचकर्मा मेरी स्पेशलिटी है। तो ये पेशेंट आई थी जब इस की बाजी बिल्कुल नहीं होती थी, तो जैसे हम एलोपैथी में उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, लेकिन हम आयुर्वेदा में उसको अफवाह बोल लेंगे कि हमारा जो ये कंधा है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन उसकी मूवमेंट हो गई है। तो उसमें इसने उनके शूल बहुत था, मतलब पेन बहुत थी और जकड़ाहट, स्टिफनेस बहुत थी और बिल्कुल नहीं होता था। थोड़े से हमने इनके बर्न पॉइंट्स दबाए और फिर हमने इनको पंचकर्मा के लिए बोला कि आप करवा दिए। तो अब आपके सामने ये है कि जो बाजू इतनी नहीं उठती थी और ऑलरेडी पेन किलर वगैरह सब खा के आए हुए थे, सब तरह से इलाज थे, तो हमारे लिए भी थोड़ा टफ था। तीन चार साल से इनको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसे तो भागती थी मैं ना, तो इनको बहुत दर्द वगैरह होती थी, लेकिन अभी हमने इनकी शोधन और शमन दोनों चिकित्सा करी है। अब हमने इनका पत्र पोटली स्वेदन जो है वो करा है, स्थानिक स्नेहन स्वेदन तेल से, आयुर्वेदिक तेल से इनको कर रहे हैं, महाविष्णु और महानारायण तेल से। अब उसके बाद जो है इनकी काफ़ी मूवमेंट ये ऐसे हो रहा है, 10 दिन से इन्होंने काफ़ी अपना, मतलब इसको बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है। यहाँ पे इनकी बहुत स्वेलिंग थी, यहाँ पे बहुत स्वेलिंग थी, वो काफ़ी उसमें जो है वो इनको सुधार आया है। और इस तरह से अगर और करते रहे, इन्होंने 2 सिटिंग्स और दी तो पूरी बाजू जो है इनकी पूरी रोटेशन और सारा मूवमेंट्स इनकी प्रॉपर आ जाए। डिजीज वाइज और पेशेंट का कितना उसको, मतलब डिजीज है। फ्रोजन शोल्डर के हमारे पास 3 पेशेंट हैं, 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका हमें लगता है कि 2 सिटिंग में अगर हम 10 दिन का इनका पत्र पोटली स्वेदन करेंगे और उसका नस्य भी करेंगे और बस्ती भी तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में आते हैं, तो उनमें थोड़ा चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। पर ये है कि क्रॉनिक डिजीजेज जितनी भी हैं उनमें सब में जो है पंचकर्म का इफेक्ट कहीं ना कहीं है। अब आपको बताएंगे कुछ मरीजों के बारे में जो इस पद्धति से ठीक हुए हैं। फ्रोजन शोल्डर के मरीज शकुंतला देवी कहती हैं वे लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, अब पंचकर्म से उन्हें राहत मिली है। का वो एक बस दे रहे हैं और एक इसके सिर उधार दे रहे हैं, जिससे मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। मेरी 68 ईयर एज है
और मेरी लगभग दो तीन महीने से ये ज्यादा प्रॉब्लम थी। जोड़ों के दर्द की मरीज शशि का कहना है उन्होंने हर जगह उपचार करवाया लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। अब पंचकर्म से वे उपचार करवा रही हैं तो उन्हें कुछ हद तक राहत मिली है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा के मरीज ज्ञान चंद का कहना है उन्हें नींद बेहद कम आती थी, उन्हें लगातार 3 महीने से दिक्कत पेश आ रही थी पर अब उपचार के बाद काफी राहत महसूस हो रही है। डॉक्टर शिरोधरा के जरिए उनका उपचार कर रहे हैं। नी जॉइंट में स्वेलिंग है और दर्द है, 2 साल से काफ़ी इनको दिक्कत है, चलने फिरने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पेन होती है। ये बचपन में प्लेयर मतलब काफ़ी हार्डवर्क करते थे, प्लेयर भी रहे तो मोस्टली ये देखा गया है कि प्लेयरों में या जो थोड़ा हार्डवर्क करते हैं उनकी नी जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आयुर्वेदिक पद सिंह का अब पंचकर्मा चला हुआ है, पत्र पोटली और जन बस्ती 2 प्रकार में प्रोसीजर करते हैं हम, तो उससे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये तो अभी 2 दिन से ही आए हैं लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप जन बस्ती स्नेहन स्वेदन करते हैं पहले, फिर उसके बाद पत्र पोटली और जन बस्ती 2 काम करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों कार्यक्रम के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे नई तकनीक के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।